हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है माय इविल स्टेप डैड और द हस्बैंड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़की एशली को दिखाते हुए, जिसके 18th बर्थडे के बस कुछ दिन पहले ही उसके पिता की मौत हो जाती है। उसकी और उसकी माँ ट्रेसी की पूरी जिंदगी ही पलट जाती है इस एक हादसे से। दोनों ही बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में पड़ जाते हैं, जिसे ओवरकम कर पाना स्पेशली ट्रेसी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिजिकली एंड मेंटली टूट चुकी थी वो अंदर से। ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत जाता है, लेकिन ट्रेसी का हाल बिल्कुल भी वैसा की वैसा ही रह जाता है। वो बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगी थी, धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी थी। ना घर से निकलती थी, ना किसी से मिलती थी, इवन अपने बिजनेस के तरफ भी ध्यान नहीं था उसका। एशली कोशिश तो कर रही थी उन्हें चीयर अप करने की, लेकिन उसे पता था ये खालीपन वो पूरा नहीं कर पाएगी। ऊपर से ठीक इसी समय एक दिन उसके ड्रीम कॉलेज से एडमिशन लेटर मिलती है उसे, जिससे सिचुएशन और बिगड़ने लगता है। वो लिटरली टेंशन में पड़ जाती है, उसके जाने के बाद उसके माँ का क्या होगा। वो एक डेटिंग ऐप में उनके नाम का एक अकाउंट भी ओपन कर देती है, जिससे वो उन्हें डेट पर भेज सके। लेकिन ट्रेसी से कहने पर वो बिल्कुल भी राजी नहीं होती, क्योंकि उनका मानना था प्यार ऐसे नहीं होता। अगर उनके किस्मत में फिर से किसी से मिलना लिखा है तो वो ऐसे ही होगा, नॉर्मली, नेचुरली। उन्हें किसी सेटअप की जरूरत नहीं। एशली उन्हें और फोर्स नहीं करती, ना उस अकाउंट को डिलीट करती है। ऐसे ही बीत जाते हैं कुछ दिन। इसके बाद एक दिन अचानक ही जब एशली अपने फेवरेट कैफे में बैठकर अपना कुछ काम कर रही थी, तो वहाँ एक आदमी से मुलाकात होती है उसकी, जैरेड नाम से। एशली को उनका बर्ताव बहुत अच्छा लगता है, और बातचीत के दौरान उसे ये भी पता चलता है कि जैरेड एक वीडोअर है। फिलहाल अकेले हैं, लेकिन एक कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में भी है। एशली को अपने माँ के लिए बिल्कुल ऐसा ही कोई चाहिए था, तो वो बातों बातों में उनके बारे में और कुछ डिटेल्स निकाल लेती है, जैसे उनका घर कहाँ है, वो कौन सी नौकरी करते हैं, उनका हॉबीज क्या क्या है। एंड फाइनली जब वो 99% श्योर हो जाती है, तब उसे अपने माँ की फोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए कहती है। डेट पर तो वो जाएगी नहीं, तो उन्हें अचानक ही मिलना होगा। इसके लिए एशली जैरेड को उस पार्क का एड्रेस दे देती है जहाँ उसकी माँ रोज जाती है। जैरेड जाता भी है, और बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में ही ट्रेसी का दिल भी जीत लेता है। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों में खूबसूरत रिलेशनशिप फॉर्म करने लगती है, जिसके मदद से ट्रेसी अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर पाती है और अपने यूजुअल फॉर्म में वापस आ पाती है। उधर एशली अपने पुराने मॉम को वापस पाकर बहुत खुश थी, और उससे भी ज़्यादा खुश थी इस बात पर कि उसके माँ की इस खुशी की वजह वो है, उसने एक परफेक्ट पार्टनर चूज किया है उनके लिए। भले ही ट्रेसी को इस बात की भनक तब भी नहीं थी, इसीलिए वो एक दिन जैरेड को घर बुलाती है अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और तभी से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एशली को पता चलता है जैरेड अभी कोई नौकरी नहीं करता, इनफैक्ट उसने वो बैंक डेवलपर की नौकरी तो सालों पहले छोड़ दिया है। फॉर नाउ वो एक ऐप बना रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करने में आसानी हो। इनफैक्ट उससे तो फर्स्ट क्लाइंट भी मिल चुका है, ट्रेसी। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद सब कुछ ऐसे बहुत जल्दी होने लगता है। ट्रेसी अपने बेटे से ज्यादा जैरेड के साथ वक्त बिताने लगती है। इवन एशली के बर्थडे के दिन भी वो उसके साथ नहीं रहती। और एक दिन अचानक ही एशली को पता चलता है कि उसके माँ ने फिर से शादी कर ली है, उसे कुछ बताए बिना ही। जैरेड भी अपना सारा सामान लेकर उनके घर शिफ्ट कर चुका था, और अपने ही घर में ट्रेसी कॉर्नर्ड होने लगी थी। कुछ ही महीने में काफी कुछ बदल चुका था उनके जिंदगी में, उसकी माँ उससे काफी दूर हो चुकी थी। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे वो एशली को बताती है कि वो जब तक स्कूल में है उसे कोई जॉब कर लेनी चाहिए, और कॉलेज जाने से पहले उसे एक स्टूडेंट लोन के लिए भी अप्लाई करना होगा। एशली तो पहले समझ नहीं पाती ये बात आखिर आई कहाँ से, क्योंकि ये कन्वर्सेशन तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने पहले ही अपने माँ से पूछ लिया था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहती भी कैसे, तब जैरेड जो नहीं था उनका ब्रेन वॉश करने के लिए। असल में ये कम्प्लीटली जैरेड का आइडिया था, वो ट्रेसी के हर एक डिसीजन में इंटरफेयर कर रहा था, और तो और उसे एशली के खिलाफ भड़का भी रहा था कि लड़की बिगड़ रही है, उन्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं,
जैरेड एशली के पिता के वर्कशॉप को भी अपने दखल में ले लेता है। वहां से उनके सारे सामान, उनके फोटोज, कैमरा सब हटा देता है, इवन बेच भी देता है। जबकि ट्रेसी को पता था ये चीज़ें एशली के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो अपने पिता की तरह फोटोग्राफर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे इन इंस्पिरेशंस की ज़रूरत है। फिर भी वो जैरेड को मना नहीं करती, उल्टा अपने हाथों से सारा सामान बॉक्स में डाल देती है। जैरेड का इन्फ्लुएंस उस पर इतना भारी था। यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि ट्रेसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, वो कमजोर फील कर रही है, इवन खाना भी कभी कभी बहुत कड़वा लगता है उसे। जैरेड इसका दोष भी एशली पर ही डालता है, उसी के कारण तो ट्रेसी को इतना स्ट्रेस हो रहा है, सब उसी की गलती है। उधर अगले दिन जब एशली अपने पापा के वर्कशॉप में एंटर करने की कोशिश करती है तो उसकी चाबी काम नहीं करती। जैरेड ने उसका लॉक जो बदल दिया था, अभी इवन वो तो उसे अंदर घुसने तक नहीं देता प्राइवेसी के नाम पे। उसकी ऑडासिटी देखकर एशली लिटरली शॉक्ड रह जाती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। उसकी माँ कंप्लीटली जैरेड के मुट्ठी में आ चुकी थी। उसे वो जो समझा रहा था ट्रेसी वही समझ रही थी। इसके बाद तो एक दिन हद ही हो जाता है। एशली को पता चलता है जैरेड ने उसके कार्ड का लिमिट $50 कर दिया है। इससे ज्यादा अगर उसे कोई भी खर्च करना हो तो उसे मांगना पड़ेगा। साथ में उसे वो ये भी थ्रेट देता है कि अभी से इस घर का कंट्रोलर वो है, अगर एशली ज्यादा नखरे दिखाएगी तो उसके कॉलेज फीस भी बंद हो जाएंगे। मतलब जैरेड उसी के पैसे उसी ही देने से मना कर रहा था, ये वो कैसे मान ले। एशली ये सारी बातें उसी दिन अपने बेस्ट फ्रेंड मार्कस से शेयर करती है, जो उनका नेक्स्ट डोर नेबर भी था। तो एक दिन जब वो उसके घर में थी तो अचानक ही उसे अपने घर में पुलिस आती हुई दिखती है। पता चलता है किसी ने जैरेड के ऑफिस में घुसकर उसका लैपटॉप, वॉच और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चुरा लिया है। थैंकफुल उन पर इंश्योरेंस था, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एशली को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। वो लोग पास के घर में ही थे लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी, और चोर मेन हाउस में ना घुसकर उस शेड में ही क्यों गया। जैरेड के कमरे में थोड़ा छानबीन करते ही उसे इसका जवाब मिल जाता है, जब उसे मैट्रेस के नीचे से उसका लैपटॉप और वॉच मिल जाती है, जो उसने कहा था चोरी हो चुकी है। इवन उसे तो उसके बदले इंश्योरेंस का पैसा भी मिल चुका था। इससे एशली ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड हो जाती है कि ये आदमी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन वो कितना डेंजरस है उसका तो ट्रेसी को कोई आइडिया ही नहीं था। उसी दिन उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो जैरेड उससे कहता है उसके वॉलेट से निकाल लेने के लिए, जो काफ़ी ऑड था। स्टिल एशली लेती है और साथ ही साथ उसके ड्राइविंग लाइसेंस की एक फ़ोटो भी ले लेती है, मगर उसे पता नहीं था ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो रहा है, जो जैरेड बाद में उसी के खिलाफ यूज़ करने वाला है। अपने अनजाने में ही उसके जाल में फंस चुकी थी एशली, इसीलिए जब वो अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती है, ये कहकर कि जब जैरेड घर में काम करता है तब वो भी तो अपने फ्रेंड्स को घर लाकर उसे डिस्टर्ब करती है ना। अब ये सरासर झूठ था। एशली ने आज तक कभी मार्कस के अलावा और किसी को घर लेकर नहीं आई, और लास्ट कुछ दिनों से तो वो भी नहीं आया था, तो जैरेड किस तो उसको मीन कर रहा है। ट्रेसी एशली की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जैरेड ने उसके दिमाग में इतना ज्यादा झूठ भर दिया था कि अपनी बेटी पर ही और भरोसा नहीं कर पा रही थी वो। यहाँ पर एशली नोटिस करती है उसकी माँ एक दवाई ले रही है अपने माइग्रेन के लिए, जो वो पहले नहीं लेती थी, इवन पहले तो उन्हें माइग्रेन होता भी नहीं था। उनसे पूछने पर पता चलता है ये दवाई उसे जैरेड ने दिया है, मतलब अभी वो डॉक्टर भी बन गया। एशली को गुस्सा तो आता है मगर वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था ट्रेसी उसकी बात नहीं मानेगी। ऐसे में बस एक ही इंसान थे जो एशली पर यकीन कर रहा था, और वो था फिल, ट्रेसी का बिजनेस पार्टनर। वो एशली से कहता है उसने ट्रेसी के फोन पर जैरेड का ऐप देखा है, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से तो उसे लगता भी नहीं कि वो ऐप कोई बैंकिंग ऐप है, वो तो बस ट्रेसी के पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और कोई फंक्शन ही नहीं है उसका। लेकिन ट्रेसी को यकीन दिलाने के लिए उसे और कुछ ठोस सबूत चाहिए थे, जिसके लिए वो इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसे मिल जाएंगे वो ट्रेसी को बता देगा, मगर उससे पहले ही जैरेड अपना अगला चाल डाल देता है, जब वो ट्रेसी से कहता है उसकी बेटी एक चोर है, उसके वॉलेट से पैसे चुराती है वो। इवन उसे तो ये भी शक है कि उस दिन रॉबरी में एशली भी इन्वॉल्व्ड थी। जब ट्रेसी यकीन नहीं करती तो जैरेड उसे वही सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, और एशली के एलिगेशंस को उसी के खिलाफ यूज करने लगता है।
खुद को ऐसे पोर्ट्रे करता है जैसे वो उसके लिए बहुत कंसर्न्ड है, एशली ही उसे गलत समझ रही है। साथ में वो ये भी कहता है कि एशली या तो खुद दिन भर गायब रहती है या अनजान लोगों को घर लाती रहती है। उसे उसके बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगते, वो किसी गलत रास्ते तो नहीं चल रही, उन्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। यह सब कुछ इतना स्ट्रेसफुल था, जैरेड इस हद तक उसे मैनिपुलेट कर चुका था कि ट्रेसी ना चाहकर भी एशली पर शक करने लगी थी। फॉर्चुनेटली इसी बीच फिल को ऐप का पूरा डिटेल्स मिल जाता है, तो वो ट्रेसी को मिलने बुलाता है। फाइनली जैरेड का पर्दाफाश होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैसेजेस ट्रेसी से पहले जैरेड देख लेता है और वो उसी रात ऑफिस में जाकर फिल को सीरियो से धकेल कर मार डालता है। अब ऑफिस के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे उसका क्राइम साबित नहीं हो पाता। एक्सीडेंट के नाम पर यह केस तुरंत ही डिसमिस हो जाता है। इधर घर में ट्रेसी और एशले का रिश्ता पहले से भी बदतर होने लगा था। वो लोग जैरेड के सामने एक दूसरे से झगड़ने लगे थे और ट्रेसी तो ऐसे बिहेव कर रही थी एज इफ वो उसकी सौतेली माँ हो। ऐसे में एशली बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे अपने माँ को समझाए। वो और मार्कस मिलकर ऑनलाइन वेरियस सोशल मीडिया पर जैरेड के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसे में उसे उस ड्राइविंग लाइसेंस की याद आती है जिसकी उसने पिक्चर क्लिक करी थी। जब एशली उस नंबर से रिसर्च करती है तो एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है उसे कि जैरेड की लास्ट ड्राइव की मौत नेचुरल नहीं थी जैसे उसने बताया था, उसने तो सुसाइड करी थी। और उसके मौत के अगले दिन ही जैरेड ने उनका घर भी बेच दिया था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे डील क्लोज करने में एटलीस्ट एक महीना लगता है। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि जैरेड ने अपील एक महीने पहले ही कर रखा था, ऐसे उसे पता था वो मरने वाली है। Isn't it fishy? एशली डिसाइड करती है वो इस बारे में और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगी, मगर वो वक्त उसे नहीं मिलता। अगले दिन ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है ड्रग्स बेचने के जुर्म में। किसी अनोनिमस कॉलर ने उन्हें खबर दी थी कि इस घर के बाहर किसी को ड्रग्स बेचते हुए देखा गया है, और पुलिस जब घर को सर्च करती है तो उन्हें एशली के कमरे से वो ड्रग्स मिलते हैं। अब जब सबूत मिल चुका था तो वो कितना ही क्यों ना चिल्लाए, कोई एशली पर यकीन नहीं करता, इवन उसकी माँ तक नहीं। और सबके सामने तो जैरेड ये भी कहता है कि उसके फ्रेंड्स जरूर यही खरीदने आते थे। एक्चुअली ये सब उसी का किया धरा था। कल रात उसने एशली के दरवाजे के बाहर से उसके और मार्कस की कन्वर्सेशन सुन ली थी। उसे डर लगने लगा था कहीं एशली उसके बारे में और कुछ बताना लगा ले, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। और इससे ट्रेसी का भी भरोसा टूट गया था, दुगना फायदा। इनफैक्ट ट्रेसी को तो इस हादसे से इतना बड़ा झटका लगा था कि वो एशली को अपने घर से ही निकाल देती है। इवन इन फ्यूचर भी उसे किसी भी तरह की मदद करने से इनकार करती है। उसने उसका बेल करवा दिया था, दैट्स एनफ। ऑफ कोर्स ये जैरेड का सजेशन था एशली को उससे दूर भेजने का, जिससे ट्रेसी और वल्नरेबल हो जाए और वो जल्दी से उसे कंट्रोल में ले ले। मगर ट्रेसी उसका ट्रैप समझ नहीं पाती। उसकी हेल्थ पहले से भी ज्यादा सफर करने लगी थी। अभी सिर्फ उसके सर में नहीं, उसके पूरे शरीर में ही दर्द हो रहा था। बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बची थी उसमें। और उसका केयरिंग हस्बैंड ऐसे सिचुएशन में भी उससे डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा था, पता नहीं किस चीज का। ट्रेसी को उस पर इतना भरोसा था कि उसने कभी पूछा ही नहीं, और अभी तो वो उस हालत में भी नहीं थी। उधर एशली भी चुप नहीं बैठती। वो मार्कस के मदद से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट करती है, जो उसे कुछ बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। पता चलता है जैरेड की लास्ट वाइफ की मौत भले ही एक्सीडेंट में हुई थी, मगर उसके ब्लड में साइनाइड मिला था, जिस कारण से इंश्योरेंस कंपनी ने उसके मौत को एज सुसाइड लिया, एक्सीडेंट नहीं। जिसे जैरेड एक्सीडेंट दिखाने की बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि तब उसे इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिलता, पूरे $5 million। लेकिन अभी मिला कितना, ओनली 1 lakh। एज ए रिजल्ट उन पैसों में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया वो, उसे फिर से शिकार पर निकलना पड़ा। और उसे शिकार मिला भी बहुत जल्दी, ट्रेसी। एक्चुअली जैरेड ऐसा ही एक फ्रॉड है जो ट्रेसी जैसे वल्नरेबल औरतों को अपने जाल में फंसा कर उनका सब कुछ अपने नाम कर लेता है। शायद इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है वो, बट फॉर नाउ उसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। साथ में एशली को यह भी पता चलता है कि फिल का शक बिल्कुल सही था। वो ऐप बेसिकली एक ट्रस्ट के लिए काम करता है, जिसके जरिए जैरेड अपने विक्टिम्स का फाइनेंस कंट्रोल कर पाता है।
ट्रेसी का सारा पैसा भी उसी में ट्रांसफर हो चुका है। इवन उसका घर भी अभी और उसके नाम नहीं है, जैरेड का हो चुका है। मतलब अभी अगर ट्रेसी ने उसे डिवोर्स दिया भी तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, एटलीस्ट 50% तो जैरेड लेगा ही, और अगर इसी बीच ट्रेसी को कुछ हो जाए तो 100%। मतलब इन ईदर वे ट्रेसी ट्रैप्ड हो चुकी थी, वो और इससे बाहर निकल नहीं पाएगी। लेकिन एशली को पैसों से ज्यादा अपने माँ को लेकर फिक्र हो रही थी। उसे पता था आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं जा रही, उनके अंदर भी वैसे ही सिम्टम्स है जो साइनिड पॉइजनिंग से होता है, तो क्या जैरेड उन्हें भी मार डालेगा? इस डिस्कशन से एशली को यह भी समझ आ जाता है कि इस सब की शुरुआत कहां से हुई थी। उस दिन कैफे में जैरेड का उसे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, जैरेड ने लिटरली रिसर्च किया था उन्हें लेकर। एशली ने उस डेटिंग साइट पर अपने माँ के बारे में जो भी डिटेल्स अपलोड करी थी वहां से उसे अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी थी, और उन फोटोज में कैफे का नाम भी था। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो लोग फंस गए, लेकिन जो होना था वो हो चुका। एशली डिसाइड करती है कि वो अपने माँ को उस मॉन्स्टर के हाथ से जरूर बचाएगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो उसी दिन उस घर में लौट जाती है, जैरेड के सामने खुद को हेल्पलेस दिखाकर उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती है, इवन उससे माफी भी मांग लेती है, ये कहकर कि वो फिर कभी उससे पंगा लेने की गलती नहीं करेगी। इधर उसके आ जाने से ट्रेसी तो बहुत खुश हो चुकी थी, कितना ही नाराज क्यों ना हो, मिस तो वो भी कर रही थी ना, आखिर माँ तो माँ ही होती है। लेकिन जैरेड के प्रति एशली का सबमिशन देखकर उसे काफी अजीब लगता है, एशली कब से उसे डैड बुलाने लगी। दूसरी तरफ अगले दिन मार्कस को उनके घर के बाहर एक लेडी दिखती है जो बाहर खड़े घर की फोटोज क्लिक कर रही थी और कुछ नोट डाउन भी कर रही थी, मगर घर के अंदर नहीं जाती। मार्कस जल्दी से उनका वीडियो निकालता है और एशली को भेजता है, और एशली उसे दिखाती है अपने मॉम को। ट्रेसी उस लेडी को पहचान तो पाती है, वो जेसिका है और ट्रेसी की तरह एक रियल एस्टेट एजेंट है, मगर वो ये समझ नहीं पाती कि वो उनके घर के बाहर क्या कर रही है। उसी रात उसे इसका जवाब मिल जाता है जब जैरेड अचानक ही घर को बेचने की बात करता है, और ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने जेसिका को बुलाया था उनका घर देखने। ट्रेसी काफी हैरान हो जाती है उसके बातों से। इस घर के साथ उसके बहुत से पुरानी यादें जुड़ी हैं। एशली का जन्म हुआ था इस घर में, उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत पल गुजारे हैं यहाँ। ये घर बेचने के बारे में वो तो सोच भी नहीं सकती। वो जैरेड को उसी वक्त मना कर देती है और अगले दिन ही जेसिका को बुलाकर ये प्लान ड्रॉप करने के लिए कहती है, मगर जेसिका उल्टा उसे ये बताती है कि डिसीशन ऑलरेडी फाइनल हो चुका है और उसमें ट्रेसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता। डॉक्यूमेंट्स पर जैरेड का नाम है इस घर के मालिक की जगह, तो वो राजी है घर को बेचने के लिए, ऐसे में ट्रेसी कौन होती है रोकने वाली? उसकी इन बातों से बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है ट्रेसी। फाइनली उसे जैरेड पर शक होने लगा था। वो उसे कन्फ्रंट करने की डिसाइड करती है, लेकिन एशली उसे रोकती है। जैरेड के बारे में जो कुछ भी उसे पता था सब बताती है और कहती है वो बस इतना चाहती थी कि ट्रेसी को सच्चाई पता चले, उसे और कुछ नहीं चाहिए, यह घर पैसा कुछ नहीं। वो आदमी बहुत डेंजरस है और उसे कन्फ्रंट करने का कोई फायदा भी तो नहीं। फॉर नाउ उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाए, वो लोग बाद में पुलिस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मगर ट्रेसी नहीं मानती, उसको जैरेड से बात करनी थी फेस टू फेस, उसे पूछना था। तो वो जाती है और जवाब में जैरेड बहुत ही शेमलेसली उसे डिवोर्स पेपर थमा देता है, कहता है उसे और इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जेसिका से उसका अफेयर चल रहा है वो उसी के साथ सेटल करना चाहता है। वैसे भी उसे जिस चीज की जरूरत थी वो तो उसे मिल चुका है, ट्रेसी का सारा पैसा, उसका बिजनेस, इवन ये घर भी। ट्रेसी ने खुद अपने हाथों से पेपर साइन किया था, अभी वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती। उसे लगा था ये सब सुनकर ट्रेसी रोने लगेगी, मगर ऐसा नहीं होता। ट्रेसी ने अपने लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स देखे थे जिसने उसे और स्ट्रांग बनाया था, उसी के दम पर वो इस झटके को भी हजम कर लेती है और जैरेड से कहती है नोटरी साइन करते वक्त एक विटनेस की जरूरत होती है जो उनके केस में नहीं था, दैट मीन्स अभी भी वो अगर चाहे तो घर की ओनरशिप क्लेम कर सकती है। कल सुबह ही वो पुलिस के पास जाकर केस फाइल करेगी, तो उससे पहले यही अच्छा होगा अगर जैरेड इस घर से दफा हो जाए। अब ये बात सच में जैरेड ने सोचा नहीं था, क्योंकि उसे लगा नहीं था ट्रेसी इतनी जल्दी उसके हाथ से निकल सकती है। अभी सिचुएशन उसके अगेंस्ट जा रही है देखकर वो एक ड्रास्टिक स्टेप लेता है।
वो ट्रेसी और एशली दोनों को ही इलेक्ट्रिक शॉकर से डराकर अपने ऑफिस में ले जाने लगता है। ऐसे में उनका काम आता है मार्कस। वो इस घर की तरफ नजर गराए बैठा था, तो जब उसे सिचुएशन बिगड़ते हुए दिखती है, वो उन्हें बचाने आ जाता है। पेपर स्प्रे से कुछ देर जैरेट से लड़ने की कोशिश भी करता है, मगर उस साइको के सामने वो बेचारा टिक नहीं पाता। जैरेट उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर इन दोनों माँ बेटी को ऑफिस में ले जाता है अपना प्लान बी अप्लाई करने। वो एशली से कहता है एक बॉक्स को ओपन करने के लिए। ये बॉक्स एशली ने पहले भी देखा था, जैरेट उसे हमेशा बहुत ही संभाल कर रखता था, मगर आज जब जैरेट इसे खोलने के लिए कहता है, तब उसे पता चलता है इसके अंदर असल में है क्या। कुछ पेस्टिसाइड्स एंड मेटल पॉलिशिंग एजेंट्स, जिन्हें एक साथ ओपन करने से एयरबॉर्न साइनाइड क्रिएट होता है। जैरेट ऑलरेडी पिछले कई महीनों से ट्रेसी के खाने एंड ड्रिंक्स में साइनाइड मिलाकर उसे स्लो पॉइजनिंग कर रहा था, जिससे ट्रेसी फिजिकली कमजोर पड़ जाए और उसे कंट्रोल कर पाना आसान हो। इवन फॉर टैबलेट्स भी ट्रेसी के लिए पॉइजन का ही काम कर रहा था। जैरेट पहले तो इन लोगों को मारने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुका है और अभी इन दोनों को ही मरना होगा। वो ये डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को यहाँ कैद करके बंद कमरे में उन केमिकल्स को स्प्रे कर देगा। साथ में म्यूजिक तो फुल वॉल्यूम पे था ही। इससे होगा ये कि कुछ ही घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाएगी और वह पुलिस से ये कह पाएगा कि वो घर में नहीं था जब उसकी पत्नी और बेटे उसका ऑफिस क्लीन करने गए थे और गलती से उनसे वो केमिकल रिलीज हो गए। इट्स एन एक्सीडेंट। उसका प्लान बिल्कुल रेडी था, एग्जैक्टली जैसे उसने पिछली बार किया था अपने एक्स वाइफ के साथ। उस टाइम पे तो गड़बड़ हो गया था, लेकिन इस बार वो फुल प्रूफ प्लान बनाता है और एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ट्रेसी ऐसा होने नहीं देती। वो उसका ध्यान भटकाकर उससे उसका शॉकर छीन लेती है और उसे शॉक देने लगती है। तब तक नहीं रुकती जब तक वो बेहोश ना हो जाए, और जैसे ही उसका सेंस जाता है, ट्रेसी उसे धकेल कर फेंक देती है। वो जाके गिरता है एक स्पीकर के ऊपर, उसके माथे पर चोट लगती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये काम उतना भी आसान नहीं था, मगर बात जब डू और डाई पे आ जाती है, तब शायद सभी के अंदर एक हिम्मत जाग उठती है। अगर ट्रेसी उसे नहीं मारती, तो उसे और उसके बेटी को मरना पड़ता, वो भी बिना किसी रीजन के। ये वो कैसे होने देती? ऑलरेडी उस चीटर के कारण बहुत लॉस हो चुका था उसका, मेंटली फिजिकली बोथ। फिर भी ट्रेसी ने उसे एक मौका दिया था इस घर से और उनके जिंदगी से निकल जाने का, मगर जैरेट ने ही नहीं माना, उनके जान लेने की कोशिश करी। तो सेल्फ डिफेंस में ही ट्रेसी को उसे मारना पड़ा। ये कोई रिवेंज किलिंग नहीं था, फिर भी जस्टिफाइड था। एट द फाइनल सीन, हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, जब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था पहले की तरह। ट्रेसी काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी, मार्कस भी फिट हो चुका था और एशली भी इस टेरिफाइंग नाइटमेयर को ओवरकम कर पाई थी। सभी खुश थे और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। होपफुली इसके आगे उन्हें फिर कभी ऐसे किसी दरिंदे का सामना करना नहीं पड़ेगा। The end। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। काफी एंटरटेनिंग स्टोरी है, मुझे तो पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।